हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी रेसिपीज विद आकांक्षा। राखी के फेस्टिवल में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेसन कोकोनट बर्फी, जो देखने में जितनी बढ़िया है खाने में उतनी ही लाजवाब है। एकदम कम सामान से और बिना चाशनी के इतनी बढ़िया हलवाई स्टाइल मिठाई खा करके तो आपके सभी मेहमान खुश हो जाएंगे और आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। आज की मिठाई की रेसिपी में हमने ना तो खोया यूज़ किया है, ना ही मावा और ना ही चाशनी बनाने का कोई झंझट है। बस थोड़े से ही सामान से हम इतनी टेस्टी मिठाई बना लेंगे जिसे देखते ही सबके मुंह में पानी आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मिठाई बनाने। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ जो आज की मिठाई में यूज़ होंगे। मैंने एक कटोरी देसी घी लिया है, एक कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट जिसे हम नारियल का बुरादा बोलते हैं, ये हमने लगभग 100 ग्राम लिया है, एक कटोरी बुरा शक्कर लिया है और एक कटोरी बेसन लिया है जिसे हमने छान लिया है, ये भी लगभग 100 ग्राम ही लेंगे। 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर लिया है जिससे हमारी मिठाई का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आएगा। यहाँ मैंने कढ़ाई को गैस में चढ़ा दिया है जिसमें हमने एक कटोरी घी लिया है। घी के गर्म होने पर इसमें हम एक कटोरी बेसन डाल देंगे। बेसन डालते ही इसमें झाग सा दिखने लगेगा, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे हम बेसन भूंजेंगे वैसे वैसे झाग कम होने लगेगा। बस हमें बेसन को लगातार चलाते रहना पड़ेगा और ये सारा प्रोसेस हम एकदम लो फ्लेम में करेंगे जिससे बेसन अच्छे से भुन जाए और वो दांतों में ना चिपके। हम इसे 5 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। धीरे धीरे इसमें झाग एकदम ख़त्म हो जाएगा और बेसन का कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। हमें इसे चलाना बिल्कुल भी नहीं रोकना होगा, वरना इस स्टेज में बेसन जल भी सकता है। आपको ये बैटर अभी पतला लग रहा होगा, बट अभी हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे जिससे इसका टेक्सचर और कंसिस्टेंसी एकदम बढ़िया हो जाएगी बर्फी जमाने वाली। जब बेसन की भुनाई अच्छे से हो जाए और इसका कलर डार्क ब्राउन सा हो जाए तब हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे। ये एकदम सूखा होता है, इसमें मॉइस्चर नहीं होता है, इसलिए अब हमारा मिक्सर जो बहुत पतला दिख रहा था उसको थिक कर देगा। हम इसे 5 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। अब इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे, इससे हमारी मिठाई एकदम स्मूथ बनेगी। इसे भी चला लेंगे। अब इस स्टेज में हम बुरा शक्कर को भी मिला देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने एक चम्मच घी ऐड किया है क्योंकि ये मिक्सचर बहुत सूखा लग रहा था। बस अब जैसे जैसे चलाते जाएंगे शक्कर पिघलती जाएगी और बैटर हमारा स्मूथ दिखने लगेगा। अब गैस फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब हम फ्लेवर के लिए इसमें इलायची पाउडर को ऐड करेंगे। अब हम कोई थाली या बेकिंग ट्रे, आपके पास जो भी हो, उसमें घी को ब्रश कर लेंगे जिससे हमारी मिठाई जमने के बाद आसानी से निकल आएगी। फिर हमारे मिठाई के मिक्सचर को इसमें हम डाल लेंगे और इसे दबा दबा कर इवेंटली सेट कर लेंगे। अब बारी आती है मिठाई डेकोरेट करने की। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट से इसे सजा सकते हैं या ऐसे ही रख सकते हैं।
मैंने इसमें कुछ कटे हुए पिस्ता और बादाम डाल के इसे चमचे से अंदर की ओर प्रेस करते हुए दबा लिया है। मिठाई को हम कम से कम 3 घंटे के लिए पंखे में सेट होने रख देंगे, बट अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 1 घंटे इसे फ्रिज में रख सकती हैं। जब मिठाई सेट हो जाए तो मनचाहे शेप में आप इसे कट करके इसे सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ स्क्वायर शेप रखा है, देखिए कितनी बढ़िया से ये जमी है और अंदर से भी अच्छे से सेट हो गई है। आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं कितनी मुलायम सी बनी है। ये मिठाई बनाने के बाद फिर सभी त्योहारों में आपसे यही मिठाई बनाने की डिमांड होने वाली है। इसे आप ट्राई ज़रूर करिएगा, करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी मिठाई की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।